चार मुट्ठी चावल बांध दिए, द्वारिका की ओर सुदामा गए। पता ही नहीं द्वारिका कहां पर चल पड़े, और जब चले तो भगवान खुद सहयोगी बनकर आए। बाबा कहां जा रहे हो? भैया मैं द्वारिका जा रहा हूं। गाड़ी वाले बनकर आए, भगवान सुदामा को द्वारिका पहुंचाए। सुदामा जब द्वारिका पहुंचे तो सुदामा चारों ओर देख रहे हैं, कहीं नदी किसकी है, नीचे से बना रहे हैं। पूछा भाई किसकी नदी है, आप श्री कृष्ण मिलेंगे इसके लिए। सुदामा महलों की ओर बढ़े कि तब तक आगे पहुंचे तो सुदामा जी ने द्वारपालों को देखा। भैया क्या तुम हमें श्री कृष्ण का पता बता दोगे? द्वारपालों ने कहा महाराज जरूर, आप यही विश्राम कीजिए, हम द्वारपालों हम अभी प्रभु का पता लेकर के आते हैं। द्वारपाल चले और क्या कह रहे हैं द्वारपाल, हे प्रभु शीश पदाना जगा तन में आही जाने को आही बसे के बता रहा। जैसे ही द्वारिकाधीश ने सुना कि मेरा बचपन का मित्र आया है और वो द्वारिकाधीश से मुझसे मिलने आया है, सुदामा के लिए श्री कृष्ण दौड़ पड़े, मित्र सुदामा सुदामा सुदामा, दौड़कर भगवान ने सुदामा को हृदय से लगाया। सुदामा को हृदय से लगाकर प्रभु ने बचपन की मित्रता कैसे भुलाते भुला भगवान। भगवान तुमने बड़ी देर कर दी आने में, बड़ी देर लगा दी। सुदामा ने कहा प्रभु देर हमने नहीं, सुदामा ने कहा प्रभु देर तो आपने लगा दी। कोई इतनी देर करता है क्या आने में? भगवान अपने आसन पर बिठाते हैं, मित्र यहाँ बैठो। सुदामा नीचे बैठ जाते, प्रभु में आपकी छीन ली भगवान ने, और वो पोटरी भगवान ने जब खोल कर देखी तो चार मुट्ठी चिवड़ा भगवान ने जब देखा, पहली मुट्ठी चावल उठाकर चिवड़ा उठाकर प्रभु ने सराहते हुए, वाह मित्र कितनी सुंदर भेंट मेरे लिए लाए हो, पहली मुट्ठी चिवड़ा भगवान ग्रहण करते हैं। और जब भगवान खाने लगे तो भगवान एक मुट्ठी चिवड़ा खाकर सारी सृष्टि को तृप्त कर देते हैं। इसके बाद विश्वकर्मा को भेजते हैं, जाओ मैंने मित्र से कुछ लिया है, कुछ देना चाहता हूँ, इतना सा लेते हैं तो इतना सारा देते हैं भगवान। सुदामा का पूरा नगर सोने से सुसज्जित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण सुदामा को देखते हैं, कहते हैं मित्र तुम्हारे इस भेंट में बड़ा स्वाद है, तुम्हारे तंदूर में बड़ा स्वाद है। सुदामा कन्हैया को अपने पास बिठाते, मित्र तुम यहाँ आओ हमारे पास बैठो, ये बताओ कभी तुम्हें हमारी याद नहीं आई? भगवान ने कहा क्यों नहीं आई, हमेशा हम तुम्हें याद करते थे। तो बोले आए क्यों नहीं, बोले कभी तुमने बुलाया ही नहीं, तुमने विवाह किया है? हाँ हाँ तुम्हारी भाभी है। भगवान ने कहा लो तो हमें तो तुमने बुलाया ही नहीं। तो सुदामा जी ने कहा तुमने विवाह किए? भगवान ने कहा हाँ हमने तो बहुत किए, कृष्ण अपने भक्त की बस ये देखते हैं कि मेरे भक्त की भक्ति कितनी कच्ची और कितनी पक्की है। सारी जिंदगी गरीबी में गुजारा किया, द्वारिकाधीश जैसा मित्र पाकर भी सुदामा ने कभी कुछ नहीं मांगा। सुदामा इस संसार के सबसे बड़े निष्काम भक्त हैं, निष्काम कोई काम नहीं। सुदामा बोले मित्र अब आज्ञा दो अब मैं जाऊं। भगवान बोले ना मित्र थोड़ा और रुक जाओ। सुदामा बोले नहीं मित्र। भगवान ने पूरे परिवार से परिचय कराया, सुदामा जी जा रहे हैं। और सुदामा
पलट पलट कर प्रभु को देख रहे हैं, भगवान भी देख रहे हैं। उसके आने पैरो उसके आने पैरो उसके जाने पैरो होके चावल के वो दाने दाने पैरोया। आंसू थे भर पाई बस हर जाना के लिए, आंसू थे भर कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। सुदामा जी जब घर गए तो वहां पूरा धन धान्य से परिपूर्ण सुशीला ये कहाँ से आया प्रभु ने